बाबू हाँ बाबू हाँ बाबू हमारे व्यवस्था न करबो बाबू बहुत लोग तैयार हम कह दीजिए तो हम कह दिया अभी डूब रहे हैं तो कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है हम कोशिश में लगे हुए पूरा मदद मिलेगा जहाँ तक होगा पूरा मदद करवाएंगे खाने पीने का कपड़ा लगता हम क्या करेंगे गुड्डी मुखिया जी अभी आया हम लोग को देख रहा है सामने देख रहा है सामने से बोला के लाया सबको दिखाने के लिए देख रहा है कैसा हालत है उस रात के खाने पीने का अच्छा है कि नहीं है वो सब बात वो पूछ रहा है देख रहा है परसों भी दिया है चूरा और शक्कर दिया है देखने बिस्कुट और बदाम चूरा चावल चावल दाल दिया है बिस्कुट अरे सब जो दाल लौट दिया है आज ना दो आगे भी वो देगा हमको अभी आगे भी बोला कि बनेंगे खाने के लिए सब कुछ करेंगे अभी हमको बताएंगे खाने के लिए देंगे हम कोशिश में लगे हुए पूरा मदद मिलेगा जहाँ तक होगा पूरा मदद करवाएंगे खाने पीने का कपड़ा लगता जितना सफरेगा उतना मदद करवाएंगे आज विधायक जी भी आ रहे हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे प्रखंड भी प्रमुख साहब को फोन किए हैं उनसे भी जो सहयोग मिलेगा हम लोग पूरा मदद करेंगे और मदद करने के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं आपका देख रहे हैं आप भी काफी यहाँ पानी में भीग करके यहाँ तक पहुँचे हैं यहाँ पर आपको क्या क्या परेशानी हो रही है घर गिर गए आधा घर टूटलो धरलो से फाइल नहीं मिले से जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर जो रेत चल रहा है घर के अंदर से क्या क्या परेशानी हो रही है आपको परेशानी छे घरों से यहाँ बहुत भूसी गले सब सामान भूसी गले ऊपर चढ़ने के ऊपर रह रहा है आधा भर खाते भूखे अपने रह के लेकिन आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं जब वीडियो को देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी आगे चल के हम अगर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएगा तो आप बआसानी उसको देख सकते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दाएँ साइड में जो एक लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर दें और उसके बगल में घंटी दिखाई दे रहा होगा उस पर ऑल का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर दें बिल्कुल यहाँ घर के करीब करीब पानी आ चुका है बिल्कुल सट चुका है तो आपके यहाँ काफी परेशानी हो रही होगी परेशानी हो रही है गरम नल सब पानी से भूसा तूसा सब अनाज तनाज कुछ नहीं है सब डूबी गया खाते पीते क्या है तो दुकान से मंगा के खरीद के चूरा चूरा खाते हैं अच्छा और कोई सरकार की तरफ से कुछ मिला कि नहीं आपको कुछ नहीं मिला है सर कमाने वाला कोई नहीं है पति भी डेट कर गया है अच्छा ये तो तब तो काफी परेशानी होती होगी आपको परेशानी ज्यादा है आप यहाँ बोरी दिए हैं फिर भी आप घर के अंदर पानी जा चुका है आपको यहाँ क्या क्या परेशानी हो रही है खाना बनाने का दिक्कत है राशन पानी का बहुत दिक्कत है खाते पीते भी क्या है कुछ नहीं खाते हैं ऐसे है 5 दिन से ऐसे ही रहते हैं और आपके बाल बच्चे सब सब ऐसे हैं ये सरकार की तरफ से कुछ मिला कि नहीं आपको कुछ नहीं कोई व्यवस्था नहीं है सरकार क्या देखेगा कुछ नहीं देखेगा यहाँ पे आपको काफी परेशानी हो रही होगी
हाँ काफी परेशानी, तीन दिनों से बच्चा सनी कोनी कोनी रहे छे, नहीं खाना पीना मिले छे। हम खाना बनेबे, चूल्हो चक्की सब डूबी भसी गेले, सब बर्तन बासन। आप रहते होते कहाँ, देखते बिल्कुल घर के अंदर पानी जा चुका है। हमरा बेर उच्चासन पर जाके नहन बच्चा सन के रखे छी। सरकारी सुविधा कुछ आपको मिला? कोई चीज नहीं मिलो छे। कुछ नहीं मिला है? कुछ जैसा कि हम देख रहे हैं आप पानी में खड़ी हैं, बिल्कुल इधर पानी आ चुका है आपके घरों के अंदर, क्या क्या परेशानी हो रही है? हमरा खाना नहीं मिले, तीन दिन से भूख ले छे, बोन बोन था बरता है, परेशान छी। तो रात को फिर नींद नहीं आती होगी आपको? सुत्ता नहीं छे, सब जीव जाग ले छे, बच्चा चच्चा सब कोने छे, बच्चा एगो गिर गेले पानी मयागन में भरती छे। आज का सही नहीं छे, खाना उना सब लगा दो, नहीं खा ले छे। जैसा कि हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, आपके यहाँ बिल्कुल आंगन में पानी आ चुका है और यहाँ काफी चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, आपको क्या क्या यहाँ परेशानी है? घर में पानी है, कैसे चलना फिरना है, घर केना खाना बनाएंगे, केना खाएंगे, रहने का ठिकाना है, पानी में भूलते हैं, पानी में रहते हैं, अथियों की व्यवस्था है, कैसे रहेंगे? और आप देखिए ना, सरकार की तरफ से कुछ अभी तक मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। और आपका भी इधर साइड में घर है, आपका भी पता चला कि वो डूब चुका है, तो क्या क्या परेशानी आपको हो रही है? बड़ा परेशानी है एकदम, घर में पानी है, बच्चे से जो मुठी हो रहा है, खाना पीने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है सरकार सब, सरकार की तरफ से कोई नहीं, नहीं मिला है अभी। और बच्चे सब फिर कैसे रह रहे होंगे? कैसे रह रहा है, एकदम मुश्किल से रह रहे हैं, पानी में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई सुविधा अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला। सामने यहाँ पर हमारे बैसी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आए हुए हैं आप लोगों को यहाँ देखने के लिए, आप लोग किस हालत में हैं, तो आप लोग बताइए आप लोग यहाँ पर क्या क्या परेशानी हो रही है? पानी मेरे पास में कुछ नहीं, सब चीज एकदम से बिल्कुल कुछ नहीं, मेरे घर में न चूल्हा है न चक्की है, बच्चा और गैस उस कुछ नहीं मिला है हमको अभी तक में। ठीक है, हमारे सामने मुखिया प्रतिनिधि आए हुए आप लोग को देखने के लिए, शिकायत कीजिए यहाँ पर, शिकायत करेंगे। आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग की स्थिति क्या है, तो आप लोग करिएगा ना, मुखिया जी आया खल खल करता है एकदम डूब रहा है। देखिए आप यहाँ पर अभी रेत चल रहा है, रेत चल रहा है, मेरे घर में जाके देखिए, चल रहे काफी परेशानी है। आप भी बताइए आप क्या क्या परेशानी? डूब रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ भस गई है, घर द्वार डूब रहे हैं यहाँ, खा ले कौन चीज को खा ले, कौन आज कहना बताइए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देखिए, कितने मासूम मासूम बच्चे हैं, परेशान हो रहे पानी की वजह से, काफी परेशानी है। मुखिया जी आपने यहाँ पर लोगों का अभी ये सब सुना, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लोग खबर दिए, आज विधायक जी भी आ रहे हैं, इसका व्यवस्था हम लोग करेंगे, जहाँ तक होगा पूरा मदद होगा, भरपूर मदद होगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। और प्रमुख साहब को भी हम फोन किए हुए हैं, प्रखंड भी हम जा रहे हैं, जितना हमसे सफरेगा उतना भरपूर मदद करवाएंगे और करेंगे।